नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों धनुराशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि देवों के देव महादेव की कृपा से आप सभी जातक अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों आप सभी जातकों को बता दें कि दोस्तों अब देवों के देव महादेव की तीसरी आँखें खुल गई, अब आपका एक सपना सच होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी जातकों को बता दें कि दोस्तों वो कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में खुशियां आती जाती रहती हैं, कभी उन्हें धन दौलत की प्राप्ति होती है तो कभी उन्हें कई प्रकार की मुसीबतों और संकटों से गुजरना पड़ता है। जी दोस्तों, यूँ कहें तो हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जी दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि दोस्तों ऐसे में अगले 72 घंटों का जो समय है, दोस्तों इन 72 घंटों में आपकी कुंडली में ग्रह गोचर इस प्रकार बन रहे हैं जो कि दोस्तों आप सभी के लिए कई प्रकार के शुभ संदेश लेकर आने वाले हैं। जो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अब देवों के देव महादेव की तीसरी आँखें खुल चुकी हैं, जिस कारण से अगले 72 घंटों के अंदर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार आपको दिखाई देंगे और आपकी ज़िंदगी में जो होंगे दोस्तों उनके बारे में किसी भी जातक ने कभी भी ना ही सपने में सोचे होंगे। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का नसीब और भाग्य का भी खेल अचानक से शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यश में भाग्य के जो देवता हैं दोस्तों उनके द्वारा यश में हमें कई प्रकार के कुछ ऐसे ऐसे शुभ संदेश मिल चुके हैं जो कि दोस्तों अब आपका भाग्य और आपका नसीब पूरी तरह से बदलने वाला है। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपका एक एक सपना सच और साकार होने वाले हैं और आपकी जो ख्वाहिशें थी, आपकी जो ख्वाब थी दोस्तों, अब वो सारी ख्वाहिशें आपकी इन 72 घंटों के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देने वाले हैं। जो दोस्तों यूँ कहें तो अब आपका ज़िंदगी अचानक से बदलने वाली हैं। और दोस्तों आपकी इस कामयाबी को देखकर, आपकी इस किस्मत को देखकर दोस्तों आपके आस पड़ोस के लोगों में भी हड़कंप मचाएंगे और दोस्तों वे लोग कहेंगे कि अरे वाह ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे, और लोग भी आपको कहेंगे अरे वाह क्या नसीब है, काश आपकी जैसे नसीब हमारे भी होती। जो दोस्तों तो आज की यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो भी जानकारी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, आप पूरी जानकारी आपके कुंडली और आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही हम बताएंगे, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों हम आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे कि अगले इन 72 घंटों के अंदर आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, देवों के देव महादेव की कृपा से आप लोगों को कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं, तो कौन कौन से बड़े सपने आपके इसमें सच और साकार भी होने वाले हैं, तो साथ ही आप लोगों को इसमें क्या क्या सावधानी भी रखनी पड़ेंगी। दोस्तों सारी की सारी जानकारी हम आपको पूरी सटीक भविष्यवाणी करके बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे पहले देवों के देव महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटों का जो आपका समय होगा दोस्तों, मानो तो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती समय रहने वाला है। दोस्तों ये 72 घंटों के अंदर आपके ज़िंदगी में वो होने वाले हैं दोस्तों, जिनका आप इंतज़ार सालों से करते आ रहे थे। दोस्तों आप सभी जातकों को बता दें कि दोस्तों इन 72 घंटों तक आपके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि पड़ेगी, जिस कारण से आपकी ज़िंदगी में अब होंगे बड़े बड़े चमत्कार। दोस्तों अब महादेव की तीसरी आंखें खुल चुकी हैं, जिस कारण से अब आपका हर एक सपना सच होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से नया घर खरीदना चाह रहे थे, या फिर आप नया वाहन खरीदना चाह रहे थे, या फिर आप नया फ़ोन खरीदना चाह रहे थे, या फिर वगैरह कुछ भी चीज़ आप खरीदना चाह रहे थे, तो आपकी इसमें हर एक ख्वाहिशें, आपकी हर एक सपना इसमें अचानक से पूरी होती हुई दिखाई देंगे। दोस्तों आपके पास पैसा नहीं रहेंगे फिर भी आपका सपना इसमें सच होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें देवों के देव महादेव की कृपा से आपका
ऐसा समय अचानक से बदलेगा कि दोस्तों आपने जिसके बारे में ना सोचे होंगे, दोस्तों वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में इसमें होने वाली हैं। दोस्तों यूँ कहें तो आपकी ज़िंदगी अब अचानक से बदलने वाली है। दोस्तों अब आपके लिए वह समय आ चुका है, आपके लिए वह दिन आ चुका है। दोस्तों जिस समय का इंतज़ार आप लोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे थे, दोस्तों अब आपकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों अब देवों के देव महादेव आपकी ज़िंदगी में आपको वो खुशियाँ देंगे। दोस्तों जिस खुशी के लिए आपकी आँखें सालों से तरस गए थे देखने के लिए, जो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ झेल लिए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां उठा लिए हैं, दोस्तों अब आपकी दुख भरी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है और आपकी खुशियां भरी ज़िंदगी अब वापस लौटने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपने पिछले समय अंतराल में जो अच्छे कर्म किए थे और आपने जो मेहनत किए थे, जो आपने परिश्रम किए थे, दोस्तों उसी मेहनत का और आपके उससे अच्छे कर्मों का फल आपको ऐसे देवों के देव महादेव आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों अब आपका हर कार्य समय पर पूरे होंगे। दोस्तों आप जिन क्षेत्र में ऐसे हाथ बढ़ाएंगे, दोस्तों जो भी आप ऐसे करना चाहेंगे, दोस्तों अब सारा कार्य ऐसे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे आपके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा बरस चुकी है। दोस्तों अब आपकी किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। दोस्तों अब आपकी इस तरक्की को देखकर, आपकी इस कामयाबी को देखकर आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मचेगा और आपके ही चर्चे सभी लोग करेंगे। और दोस्तों वे लोग आपको ये भी कहेंगे कि अरे वाह, आपका क्या नसीब है, काश आपकी जैसी नसीब हमारी भी होती। और दोस्तों वे लोग आपकी इस तरक्की को जानने के लिए आपसे कुछ बातें भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा छोटी छोटी बातों को किसी भी इंसान को नहीं बताना, नहीं तो आपके लिए ही बड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। और दोस्तों इसमें संतान की शिक्षा में भी काफ़ी अच्छी उन्नति इसमें संभव है। दोस्तों अगर आपके संतान कई दिनों से किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, तो वह प्रयास भी इसमें आपके सफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग जिन भी कार्यों को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, तो वह कार्य भी आपका इसमें अचानक से पूरी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप काफ़ी लंबे समय से जिन परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, जो परेशानी आपको आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उन सारी परेशानियों से अब आप लोगों को अचानक से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई मामला आपका काफ़ी लंबे समय से कोर्ट कचहरी में चलता हुआ आ रहा था, तो वह भी परेशानियों से ऐसे में आपको मुक्ति मिलेंगी और उनमें जो ऐसे में फैसला आएंगे, दोस्तों वह फैसला ऐसे में आपके हक में आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपकी यह कामना भी इन 72 घंटों के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पैसों को लेकर काफ़ी लंबे समय से काफ़ी परेशान थे, आपके घर में काफ़ी आर्थिक तंगियां हो चुकी थी, तो उन सारी परेशानियों से आप लोगों को इसमें मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को अचानक से कुछ ऐसे ऐसे बड़े क्षेत्र में धन लाभ की प्राप्ति होंगी, कुछ ऐसे जगहों से ऐसे में आप लोगों को धन की प्राप्ति होंगी दोस्तों, जिनके बारे में आपने कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले समय अंतराल में किसी भी क्षेत्र में निवेश किए हुए थे, तो उन क्षेत्रों से ऐसे में आप लोगों को 10 गुना लाभ की प्राप्ति होंगी, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे में काफ़ी अच्छा मजबूत भी बना रहेंगे। और बाजार में आपका जो पैसा फंसा हुआ था दोस्तों, वो सारा पैसा ऐसे में आपके पास अचानक से लौटते हुए नज़र भी आ सकते हैं। और यास में आपको कार्य और कारोबार में मनचाही प्रगति भी होती हुई नज़र आएंगी। कार्य क्षेत्र में यास में आपके सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर साथ और सहयोग भी मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने सारे टारगेट काम को यास में पूरे भी कर लेंगे। और यास में विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले जातकों के लिए विषय बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं। दोस्तों उन लोगों को यास में कुछ ऐसे ऐसे बड़े लाभ की प्राप्ति होंगे दोस्तों, जिनके बारे में उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। और यास व्यवसाय के सिलसिले में आप लोग जो भी यात्रा करेंगे दोस्तों, वह यात्रा आप सभी जातकों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही लाभकारी सिद्ध भी होंगे। और दोस्तों इसमें नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत भी बनेंगे, जिनसे उनके संचित धन में इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि भी होंगी। और इसमें घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिनसे पूरे परिवार में इसमें अच्छा वातावरण भी बना रहेंगे और सारी परेशानियां भी हमेशा के दूर हो जाएंगी। और इसमें के अंत स्त्री या फिर संतान के पक्ष की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार आप लोगों को प्राप्त होंगे, जिनसे पूरे घर में इसमें खुशी का माहौल भी बना देगा।